नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। मैं हूं आपके साथ प्रवीण कुमार यादव और आज हम बात करेंगे अंडर 19 क्रिकेट की। जी हां, जो कि मौजूदा एशिया कप चल रहा है, जिसमें आज भारत का मुकाबला यूएई के खिलाफ था, जिसमें यूएई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। उसके बाद भारत पहले बल्लेबाजी करने आया और भारत के ओपनर हरनूर सिंह शानदार 120 रन की पारी खेली 130 बॉलों पे, जिसमें 11 चौके लगाए उन्होंने कुल मिलाकर। और मैं आपको बता दूं, कप्तान यश धूल ने बीच में आके मिडल ऑर्डर में 4 नंबर पे खेलते हुए 63 रन की पारी खेली, और वहीं आतिशी पारी खेली राजवर्धन हैंगरकर ने, जिन्होंने 23 बॉलों पे 48 रन बनाया। और इसके साथ ही इंडिया का कुल स्कोर हुआ 282 रन 5 विकेट के नुकसान पे। उसके बाद यूएई बैटिंग करने आई, जिसमें पहले ही हमारे बॉलरों ने, जो कि इंडिया के बॉलर थे, राजविंदर हैंगरकर ने, जो कि बहुत शानदार गेंदबाजी में भी उन्होंने अपना दम दिखाया और 3 विकेटें ली। और उसके साथ मैं आपको बता दूं कि सारे गेंदबाजों ने लगभग अच्छी गेंदबाजी करी, पहले से दबाव बना के रखा, विकेटें लगातार लेते रहे, जिसके वजह से यूएई को पार्टनरशिप नहीं बनाने दिया और लगातार विकेट उनकी गिराते रहे। मैं आपको एक बार स्कोर कार्ड बता देता हूं। जैसे राजविंदर हैंगरकर ने 3 विकेट ली, उसके बाद गर्व सांगवान ने 2 विकेट ली, और विक्की उत्सवल ने भी 2 विकेट, और कुशाल तांबे ने भी 2 विकेट। उससे पहले अगर बैटिंग में बात करें, हरनूर सिंह, जैसा कि मैंने आपको बताया, 120 रन की शानदार पारी खेली। उसके बाद उनके साथ, हालांकि पहला विकेट तीसरे ओवर में ही गिर गया था अंकरिश का, और उसके बाद शेख राशिद ने 35 रन का योगदान दिया, जो कि थोड़ा धीरे खेले, लेकिन उस समय वो पारी को भी उसकी दरकरार थी कि स्लो थोड़ा पारी को बिल्ड करा जाए, और हरनूर सिंह के साथ उन्होंने पारी को आगे बढ़ाया और 35 रन का योगदान दिया। उसके बाद यश धूल आए कप्तान, जिन्होंने कप्तानी पारी खेली और 63 रन बनाए, और वहीं फिर निशांत सिंधु, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण 0 पे रन आउट हो गए। उसके बाद राजविंदर हैंगरकर ने आके 6 चौके और 2 छक्के लगाए, जिससे वजह से भारत का स्कोर 250 के पार हुआ और 282 रन बनाए, और लास्ट में कुशाल तांबे ने 6 रन का योगदान दिया। उसके बाद बैटिंग करने आई यूएई की टीम में से काई स्मिथ ने, जो कि ओपनर है, उन्होंने 45 रन का योगदान दिया, और ध्रुव परासर ने 19 रन, अलीशान सराफू 13, पुन्या मेहरा 6, बाकी सब सूर्य सतीश, जो कि नीचे आके 21 रन का योगदान दे पाए, लेकिन टीम को जिता नहीं पाए, क्योंकि भारतीय गेंदबाजों ने इतना अच्छा प्रदर्शन करा, इकोनॉमिकल बॉलिंग करी उन्होंने और विकेट टू विकेट गेंदबाजी करके यूएई को पराजित करा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।